नमस्कार मित्रों, स्वागत है फरी एक बार अपने YouTube चैनल नकुमारीश नी अंदर। आजना वीडियो नी अंदर बात करिए खेडूतो माटे एक सरस मजानी योजना आवी छे। मित्रों, बेटरी पंप खरीदवो तो सरकार छे तमने 10,000 रुपया सुधी नी सहाय आपे छे। हाल आई खेडूत पोर्टल पर फॉर्म भरवानुं शरू छे। विगतवार योजना नी माहिती मेळवीए खास आ वीडियो तमारा मित्रों सुधी शेर करी चेनल पर सब्सक्राइब करवानुं भूलो। आ वीडियो नी अंदर बात करिए खेडूतो माटे सरस मजानी योजना आवी छे। बेटरी पंप खरीदवा माटे सरकार छे सहाय आपे छे। आ योजनाना फॉर्म हाल आई खेडूत पोर्टल पर खेतीवाड़ी योजनामां फॉर्म भरवाना शुरू थे। मित्रों, पाक संरक्षण साधन एट्ले बेटरी पंप आए थे ए खरीद तो खेडूतोने सहाय मळे छे। हवे वात करिए मळवापात्र सहाय शू रहेशे। मित्रों, तमारे बेटरी पंप खरीदवो होय ने 8-12 लीटर कैपेसिटीनो खरीदवो होय, जो तमे अनुसूचित जाति के जनजातिनी अंदर आवता हो, अनुसूचित जनजातिनी अंदर आवता हो, नाना खेडूत हो, श्रीमंत खेडूत हो अथवा महिला खेडूत हो, तो तमने 3100 रुपयानी सहाय मळे। अन्य लाभार्थीने 2500नी सहाय मळे 8-12 लीटर कैपेसिटी में। बराबर, हम बात करिए जो तमे 12-16 लीटर कैपेसिटी पंप खरीदो, बराबर, अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति खेडूत, बराबर, नाना खेडूत, श्रीमंत खेडूत अथवा महिला खेडूत, तो तमने 3800 सहाय, अन्य लाभार्थी ने 3000 सहाय। और जो एना करता पण वधारे कैपेसिटी एटले के 16 लीटर थी वधारे कैपेसिटी पंप खरीदवो तो अनुसूचित जाति में आता हो, अनुसूचित जनजाति में आता हो, नाना खेडूत, श्रीमंत हो के महिला खेडूत हो, तो 10000 सहाय। और अन्य लाभार्थी ने 8000 सहाय से तमने मळवापात्र थती होय छे। मित्रों, फॉर्म कई जगह भरवानुं छे? फॉर्म छे ऑनलाइन ज भरवानुं छे आई खेडूतनी वेबसाइट पर। मित्रों, छेली तारीख छे 30/9/2023 छे फॉर्म भरवानी छेली तारीख छे। मित्रों, जिल्लाना तालुकाना लक्ष्यांक मुजब छे आ योजनानी अंदर लाभ मळशे। तमारा जे ते जिल्लो होय एना तालुकानी अंदर अलग अलग लक्ष्यांक हशे। तमारा जे ते जिल्लाना तालुकानी अंदर लक्ष्यांक हशे तो आ योजनानो लाभ छे तमे लई शको छो। मित्रों, अत्यारे तालुकाना लक्ष्यांक मुजब जे ते तमारा तालुकानी अंदर लक्ष्यांक हशे तो तमारो तालुको बतावतो हशे। मित्रों, फॉर्म भरीने तमारी पासे ज रखवानुं छे। ज्यारे पूर्व मंजूरी मळे छे ત્યારે તમારે ખરીદી કરવાની રહેતી હોય છે। કોઈપણ ડોક્યુમેન્ટ છે હાલ જમા કરાવવા જવાના થતા નથી। મિત્રો, વાત કરીએ ખરીદી કઈ જગ્યાએથી કરવાની રહેશે। મિત્રો, ખાતા દ્વારા અધિકૃત વિક્રેતા હોય એના પાસેથી તમારે ખરીદી કરવાની રહેશે। મિત્રો, હવે તમારે ડોક્યુમેન્ટ ક્યારે જમા કરવાના છે? તમે અરજી કરી દીધા બાદ છે, તમારી અરજી પાસ થાય છે ત્યારબાદ તમારે ડોક્યુમેન્ટ છે એની અંદર તમારા 7/12 બેંક પાસબુક છે, આધાર કાર્ડ છે, બરાબર, રેશન કાર્ડ છે, એટલા ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેતા હોય છે। તમને વિશેષ છે તમારા ગ્રામસેવક તરફથી કોન્ટેક પણ કરવામાં આવતો હોય છે તમારી અરજી જ્યારે પાસ થાય છે ત્યારે। બરાબર, તમારે ફોર્મ છે અત્યારે ઓનલાઈન જ ભરવાના છે, વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે રહેશે। મિત્રો, જે તે જિલ્લાની અંદર છે અલગ અલગ તાલુકા વાઇઝ લક્ષ્યાંક છે અત્યારે ચાલુ છે અત્યારે, તો વિશેષ આ વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્ર સુધી શેર કરશો।